बता दें देश में बर्फ काल की शुरुआत हो चुकी है। सफेद संकट के सामने इंसानों ने सरेंडर कर दिया। बर्फ सिर से ऊपर है और तापमान शून्य से नीचे पहुंच चुका है। देश के तीन राज्यों में यही हालात है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। ये बर्फबारी लोगों के लिए राहत काम और आफत ज्यादा है। आसमान से गिरने लगी सफेद आफत, बर्फबारी से मौसम ने ली करवट। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, घर की छत हो या सड़क, हर जगह बर्फ ही बर्फ दिख रही है। छतों पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर जमी है तो सड़कों पर ही बर्फ किसी आफत से कम नहीं है। मनाली से लेकर कांगड़ा, कुल्लू, चंबा में भी आसमान से लगातार बर्फ की बारिश हो रही है। पेट्रोल पंप की ये तस्वीर कुल्लू की है। पेट्रोल पंप बर्फ की चादर से ढक चुका है, वहीं पावर सब स्टेशन भी इसे अछूता नहीं है। रोहतांग दर्रे में 1.5 फीट बर्फबारी हुई। रोहतांग दर्रे में वाहनों की रफ्तार जैसे थम सी गई है। लाहौल स्पीति के केलांग में तापमान शून्य से 5.1 डिग्री नीचे रहा, जबकि मनाली और डलहौजी में न्यूनतम तापमान लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर आने वाले दिनों में और बर्फबारी होगी। जो पश्चिमी विक्षोभ हमारे रीजन को इफेक्ट कर रहा है और जो ऊंचाई वाले ऑब्जर्वेटरीज हैं वहां पर स्नोफॉल भी रियलाइज हुई। उत्तराखंड के भी कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है। औली में लगातार बर्फबारी की वजह से चमोली में ठंड बढ़ गई है। साथ ही हेमकुंड साहिब के साथ साथ बद्रीनाथ धाम पर भी बर्फ की बारिश हुई है। हालांकि बर्फबारी की वजह से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप की हैं। यहाँ भी टूरिस्ट बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हमें यहाँ पे बड़ा मजा आया, स्नो गेम्स खेली, पहली बार बर्फ देखी है तो बड़ा एंजॉय हो रहा है। तो वही लगातार हो रही बर्फबारी यहाँ भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। पीर पंजाल के पहाड़ों पर हो रही बर्फ की बारिश की वजह से कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। मुगल रोड पर भी जगह जगह बर्फ की चादर जमी हुई है और इस सड़क को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, अहम बात यह है कि डिफेंस में अब भारत लगातार दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रहा है और इसी के तहत नौसेना भी लगातार खुद को अपग्रेड कर